नवकोट वेझो एलबीओडी सिम नाले में पानी हर कलाक में वधण लगो। नवकोट मीरप्रकाश रोड ते 75 मोरी वाले हाईवे रोड जी पुल ट्रैफिक टोड़े लोडर गाडन लाए बंद कई वही। एसएस न्यूज़ के रिपोर्टर नवीद वजीर मूजिब सिम नाले वाली पुल जे पासन का डिनल कटन मथा पानी वही रहो आहे। बिन्ही पासन का पुलिस की सिक्योरिटी मुकरर कई वही। डीसी बदीन पिण जायजो वठी रवानो थी वयो। एलबीओडी जे आदम मोरी खां भटारो ताई बिन्ही कपरन खां पानी समुंड जिया छोलियों हणी रहो आहे। सिम नाले ते पानी जी दहशत रहवासन ते खौफ तारी करे छड्यो। नवकोट मीरप्रकाश हैदराबाद दहां वींदड़ ट्रैफिक नफीस नगर सेलोर खां थी मुतबादिल रस्तो इख्तियार करे रही आहे। पुराणे कदीमी कुदरती पानी लंघ ढोरे पुराण में पानी जी गैर मामूली चाढ़ बाद संतोरो बाजार नवकोट के डिनल बई हिफाजती बंद टुटी वया। ढोरे जो पानी आबादन तरफ वधण लगो आहे। एमएनएम मीर मुनवर टालपुर एमपीए मीर तारिक टालपुर एलबीओडी जो जायजो वठण पौता त सवे मुतासरन चूंडल नुमाइंदन अगियां दाहींदे चयो त हेडी वडी तबाही जे बावजूद मीरप्रकाश जिले थरपारकर जे बेराज एरिया के आफत सटल करार न डिनो वियो आहे। हम यहाँ एलबीओडी की जो आरडी नंबर है 257 पे खड़े हुए हैं आपके सामने। इसमें 20 से 25 फुट पानी है और ये लोग सारे अपनी गांव के लोग हैं जो यहाँ के रहवासी हैं, वो आए हैं अपनी मदद आप तहत काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई बंदा यहाँ पे मौजूद अगर है तो सिर्फ 4 या 5 बंदे उन्होंने दिए हैं, बाकी जो उन्होंने कोई मशीनरी हमने उनसे मांगी है वो भी नहीं मिली हमें। ट्रालियाँ जो हैं ट्रैक्टर वगैरह वो भी नहीं, वो भी हम ट्रैक्टर भी हमारे गाँव वाले जो हैं यहाँ के लोग हैं वो उनके हैं और लोग भी अपनी मदद आप तहत जो काम कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट का कोई बंदा इधर मौजूद नहीं है। यहाँ मसला ये है कि ये बहुत ख़तरनाक जो पॉइंट है हम खड़े हुए हैं। यहाँ जो गांव हैं सारे तकरीबन 200-250 गांव हैं वो यहाँ से नीचे हैं 20 फुट, वो ज़मीन नीचे है। यहाँ से कुछ होता है तो तकरीबन आधा ताल का कलोई जो है ये रात तकरीबन 2-4 घंटों में जो है वो डूब जाएगा, इतना पानी यहाँ से निकलने का अंदेशा है। जो काम कर रहे हैं ये इधर बहुत संगीन जगह हो गई है और पानी बहुत ज़्यादा हो गया है और इसकी पिछली साइड बहुत नीचे है और बहुत ख़तरनाक है। यहाँ कोई भी सरकार का बंदा या मशीनरी नहीं है, हम अपनी मदद आप काम कर रहे हैं, हमारे बंदे हैं, हमारे ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं जो हम इनका आसरा ख़त्म करके अभी आए हैं और अभी काम में लगे हुए हैं। या सुबह से हम बैठे हैं यहाँ एक्सचेंज के पास तो वो तो कह रहा है मशीनरी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है और अभी तक कोई चीज़ नहीं है। हम अपनी मदद पे आप काम कर रहे हैं और इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई भी जगह नहीं है जितनी ये ख़तरनाक है।